कोस्ट गार्ड ने 6 पाकिस्तानी घुसपैठियों को एक पाकिस्तानी बोट के साथ गिरफ्तार किया था और इनके पास से 200 किलो हेरोइन भी बरामद की गई थी। इंडियन नेवी ने इस पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया ये बता रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर आशीष सिंह। अगर हमारे दर्शकों को अगर आप मैप के जरिए बता सके सीक्वेंस में कि किस तरह से कब क्या ऑपरेशन हुआ और कहां पर एग्जैक्टली हुआ। हाँ जी, ये आप देख रहे हैं, ये रेड लाइन दिख रहे हैं। अब रेड लाइन है इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन, IMBL कहते हैं। ये पाकिस्तान साइड है, ये इंडियन साइड है। ये हमको इन्फॉर्मेशन मिला समवेयर IMBL में आसपास हमको ये नार्कोटिक एक्सचेंज होने का चांसेस है, इसलिए हमने ये देख रहे हो अरंजय ये शिप को फास्ट पेट्रोल वेसल को हमने डिप्लॉय किया। ये छोटा Charlie 408 Charlie 437 ये दोनों इंटरसेप्टर बोट्स हैं। ये जखाओ से एक है और दूसरा एक है, एक जखाओ और नीचे ओखा, नीचे से ये दोनों को भी डिप्लॉय किया। ये तीनों जहाज और हवा जहाज डॉर्नियर सभी एयर सी कोऑर्डिनेट एंटायर एरिया को 2 दिन से सर्च कर रहे हैं। उसके बाद आज सक्सेसफुली हमने इसी पोजीशन में ये स्टार रेड स्टार आप दिखाई दे रहे वो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन से लगभग 8 नॉटिकल माइल दूर में हमारा पानी का अंतर उसको अप्रेंड किया। अप्रेंड करने के बाद अभी उसको एस्कार्ट करते हुए सीधा हम जखाओ लेके आ रहे थे। वो 32 नॉटिकल माइल से जखाओ से ये है, वो जखाओ आज शाम तक पहुंचने का आशंका है। उसके बाद हमें इसको थरव रमेजिंग करेंगे, उसके बाद फाइनल क्या क्वांटिटी होगा उसको पता चलेगा हमको। बहुत बहुत शुक्रिया मोती जी और बधाई पूरे इंडियन कोस्ट गार्ड को। ये काफी बड़ा ऑपरेशन है और जिस तरह से ड्रग्स जिस अमाउंट में मिला है जिसकी वैल्यू है ये काफी भारत में अगर आ जाता तो काफी ये डैमेज होगा। हाँ जी, अभी मैं पहले ही बताया था ये सेकेंड सक्सेसफुल ऑपरेशन हमारे लिए। अभी ये 194 पैकेट मतलब हम समझ सकते हैं नियरली 194 kg हो सकता है और 24 मार्च इस साल में ही हमने 100 kg का हेरोइन पकड़े। अभी तक इंडियन कोस्ट गार्ड ने 5,000 करोड़ का वर्थ नार्कोटिक्स का हम सीज किया इंडियन कोस्ट गार्ड ने। काफी बड़े ऑपरेशंस करते रहे। थैंक यू सो मच मूर्ति जी इंडियन से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार जी। मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं कि अब जिस तरह से ये बोट आ रही है जखाओ की तरफ कंट्रोल रूम यहां पर मॉनिटर किया जा रहा है ताकि एग्जैक्टली जैसे ही वो बोट आए विजिबल रेंज में वहां पर वो दिखाई दे और पूरी तरह से पूरी सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है। एक एक बोट जो आ रही है कोस्ट गार्ड की ये बोट अभी उसे लेकर आ रहे हैं जखाओ में। शाम तक जब पहुंच जाएगी बोट तो उसके बाद में प्रॉपर उनका बोट का इंस्पेक्शन होगा और ज्वाइंट इंटरोगेशन होगा क्रू का। जैसा कि मूर्ति जी ने बताया कि 6 पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स हैं और काफी बड़ी तादाद लगभग 200 किलोग्राम हीरोइन जिसकी बाजार में कीमत 1000 लगभग इंडियन रूपीज है। ये काफी बड़ा ऑपरेशन NTR DRI और फाइनली इंडियन कोस्ट गार्ड ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। कैमरामैन प्रमोद के साथ मैं आशीष सिंह भारतीय तटरक्षक हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली से